और इस पिला दो लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर जो लोग यहां पे डूब रहे थे उनको बचाने के लिए उन्होंने नदी में छलांग लगा दी है एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स ने, और डूबते हुए लोगों को बचाने की कोशिश करी जा रही है। कई प्रकार की रेस्क्यू टेक्टिक्स होती हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट रेस्क्यू, नॉन कॉन्ट्रैक्ट रेस्क्यू होता है, तो उन सभी टेक्टिक्स की मदद दी जा रही है और जो डूबते हुए लोगों को बचाने की कोशिश करी जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट रेस्क्यू के द्वारा एनडीआरएफ के दो रेस्क्यूअर्स ने दो डूबते हुए लोगों को बचा रहे हैं, उनको रेस्क्यू करके बोट तक ले जाया जा रहा है। वो देखिए, दो लोगों को रेस्क्यू बोट में पहुंचा दिया गया है रेस्क्यू करके एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स के द्वारा। नीचे चला गया है काफी, तो उसके लिए डीप डाइवर जो स्पेशलाइज रेस्क्यू टीम है वो डीप डाइवर्स की टीम जा रही है और उनको रेस्क्यू कर रही है। जो व्यक्ति था उसको नीचे से डीप डाइवर्स द्वारा सुरक्षित बचा लिया गया है, निकाल लिया गया है नीचे से, और इसको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा क्योंकि डूबने से इसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी है। और इसी के साथ एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स फाइनल फॉर्मेशन में डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोएक्टिव अप्रोच है। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चेयरमैन होता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, और अब पहले एक रिएक्टिव अप्रोच था, अब एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। तो ऐसे हम मॉक ड्रिल्स करते रहते हैं जिससे कि हमें पता चलता है हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, हमारी खामियां क्या है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे श्रीवास्तव जी हैं एनडीआरएफ से, इज अ वेरी सीनियर कमांडेंट, वो उन्होंने उनके साथ मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज किया है कि जो फ्लड सिनारियो में हमारा रिस्पांस क्या रहेगा। आपको पता है कि दिल्ली में फ्लड्स आते रहते हैं, अभी लास्ट ईयर भी सिचुएशन थी, 3 बार हम लोग का जब वाटर राइज हुआ तो हम लोग ने वहां पर आपका रिलीफ ऑपरेशन प्रोवाइड किया, लोगों को शिफ्ट किया, रिलीफ ऑपरेशन प्रोवाइड किया गया। तो ये हम मॉक ड्रिल इसलिए करते हैं कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो हर समय कायम रहे, यही हमारा।
किस तरह की तैयारी थी? देखिए तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी तैयारी की गई थी, और जैसा कि आपको पता है कि अभी जून के बाद हमारा फ्लड का जो है वो मौसम शुरू हो जाएगा, और यमुना में दिल्ली में यमुना के किनारे का इलाका जो लो लाइंग एरिया है यहाँ पे देखिए फ्लड जो है हर साल फ्लड आने की संभावना रहती है, तो उसमें उस तैयारी का आकलन करने के लिए कि हमारी जो एजेंसीज हैं सारी वो पूरी तरह से तैयार हैं कि नहीं, उसका आकलन करने के लिए संयुक्त अभ्यास कराया गया था जो कि जिसमें लीड जिला प्रशासन द्वारा ली गई थी, और जो भी एजेंसीज उसमें काम करती हैं वो सारी एजेंसीज आई थी, और एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स भी अपनी 8 बोटों के साथ यहाँ पर आए थे, और एनडीआरएफ की टीम जो कि गाजियाबाद में है वहाँ से आई थी, और ये ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तो एनडीआरएफ आने वाले समय में कहीं और तैयारी करने वाली है दिल्ली में और भी सर इस तरह की? हाँ, अभी दिल्ली में इससे पहले भी हमने नॉर्थ दिल्ली में एक भूकंप के ऊपर आपदा की थी जो अभ्यास किया था, और साउथ दिल्ली में सेलेक्ट सिटी वॉक हॉल में हमने एक मल्टीपल डिजास्टर जिसमें कि भूकंप और रासायनिक आपदा के ऊपर एक अभ्यास किया था, और इसके अलावा आने वाले समय में भी इस प्रकार के अभ्यास लगातार जारी रहे।